Let's see our next question. It says if root under 1 minus x square plus root under 1 minus y square equals to a times of x minus y आपके पास given है, then we have to prove that dy over dx जो आपके पास आना चाहिए वो आना चाहिए root under 1 minus में y square upon में 1 minus में x square. So अगर आप लोग मेरी exemplar वाली series को follow कर रहे हैं तो वहाँ मैंने आपको सिखाया होगा कि इस सवाल को आप लोग method of substitution से भी कर सकते हैं. ओके और मैंने कहा था कि इसको आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करके ही प्रूव कर सकते हैं. तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के डाउट्स आए थे कि भाई सर बताइए आप हमें कि सिंपल तरीके से कैसे हो पाएगा, सिंपल तरीके से हम इसको प्रोसीड नहीं कर पा रहे. तो आज देखिए हम लोग इसको सिंपल तरीके से कैसे डिफरेंशिएट करके ईजिली ये वाली चीज़ प्रूव कर सकते हैं. ओके सो देखिए आपके पास क्या चीज़ है. तो वी हैव दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन आपके पास जो गिवन है, इसको आप फर्स्ट मान लें बिकॉज हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं पर आपके पास फ्यूचर में यूज़ हो जाए. ओके तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. देखते हैं मैं क्या ऑप्टेन होता है यहाँ पे. सो आपको पता है कि रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है वन अपॉन में टू. मैंने आपको सिखाया भी हुआ पहले, तो मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करता हूँ. आप देखिएगा कैसे काम हो रहा है यहाँ पे. सो ये आपके पास हो जाएगा वन अपॉन में टू एंड देन रूट अंडर वन माइनस में एक्स स्क्वायर और वन माइनस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा माइनस का टू एक्स, एक्स का हो जाएगा वन एंड देन ये आपके पास होगा वन अपॉन में टू रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर एंड देन यहाँ आपके पास होगा माइनस का टू वाई और वाई का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स ए. आपके पास एक कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा. एक्स का हो जाएगा वन माइनस में वाई का आपके पास आंसर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स. ओके नाउ यहाँ पे आप लोग टू से इस टू को कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड टू से यहाँ भी इस टू को कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो देखिए आपके पास क्या चीज़ ऑप्टेन होगी. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो ये आपके पास आएगा माइनस में एक्स एंड देन रूट अंडर वन माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा माइनस में वाई एंड देन रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर एंड देन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स ए माइनस में ए टाइम्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स. नाउ आप काम कर सकते हैं, आप लोग सारा का सारा डी वाई ओवर डी एक्स एक साथ ला सकते हैं. तो मैं काम करता हूँ, मैं इस टर्म को भेजता हूँ उस साइड और इसको मैं भेजता हूँ उस साइड. ओके सो ये आपके पास हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ आने का बन जाएगा पॉजिटिव एंड देन माइनस में वाई टाइम्स ऑफ रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स ए एंड देन ये बन जाएगा आपके प्लस में अपॉन में रूट अंडर वन माइनस में एक्स स्क्वायर. सो मैंने यहाँ पे दो काम किए हैं. आप देखिएगा मैं यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लेता हूँ कॉमन और मैं इसके अंदर इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ. तो ये देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन कराएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा कॉमन. मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले लिया साथ के साथ. सो ये हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर एंड देन दिस विल बिकम ए टाइम्स ऑफ रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर एंड माइनस में ओनली वाई इक्वल्स. मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट अंडर वन माइनस में एक्स स्क्वायर एंड देन ए टाइम्स ऑफ रूट अंडर वन माइनस में एक्स स्क्वायर एंड प्लस में आपके पास आएगा एक्स. नाउ मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करी. सो डी वाई ओवर डी एक्स जो हमारे पास आएगा ये टर्म चली जाएगी इधर और ये आ जाएगा आपके पास इधर. सो इसको अगर मैं अरेंज करूँगा तो मैं पाऊँगा मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई ए टाइम्स ऑफ रूट अंडर वन माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स एंड देन ये वाली टर्म इसके नीचे आएगी. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिवाइडेड बाई ए एंड देन रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में वाई और जो यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से उसको मैंने यहाँ थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया वन माइनस में एक्स स्क्वायर. नाउ देखिए आपको क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, आपको प्रूफ करना था डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सिंपली रूट अंडर आपके पास आना चाहिए वन माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस में एक्स स्क्वायर. बट यहाँ पे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आ रही हैं तो आप देखिए एक्स्ट्रा टर्म्स को आप लोग कैसे हटा सकते हैं. सो जो चीज़ आपके पास गिवन है वो आपके काम आ सकती है. तो आप यहाँ से एक काम करें, जो आपके पास इक्वेशन नंबर वन है यहाँ से आप लोग ए की वैल्यू को इस पूरी पूरी इक्वेशन में पुट करने की आप लोग कोशिश करें. ओके सो मैं यहाँ एक पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ, ध्यान से आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा मैं यहाँ क्या क्या काम करने वाला हूँ. सो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ एंड इक्वल्स टू में इसको आप बोल सकते हैं कम्बाइंड
वन माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस में एक्स स्क्वायर, एंड देन मैंने एक छोटा सा काम किया यहाँ पे, मैंने इस ए की वैल्यू को पुट कर दिया। अगर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे गिवन है तो इस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए की वैल्यू हो जाएगी ये पूरी चीज़ एंड देन डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़ इसके डिनोमीटर में आ जाएगी। ओके सो आप बोल सकते हैं रूट अंडर वन माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई, आपके पास ए की वैल्यू है, बाकी सब कुछ आप लिखिए एज इट इज़। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट अंडर वन माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एंड देन प्लस में एक्स आपके पास आएगा एज इट इज़। सिमिलरली आप एक हम डिनोमीटर में भी करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इसका डिनोमीटर वाला पार्ट बना दिया। एंड देन देखिएगा ध्यान से, ए की वैल्यू को अगेन मैंने यहाँ पुट किया है, ए की वैल्यू अगेन आपके पास आएगी रूट अंडर वन माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई आपके पास पहले से था रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर एंड माइनस में आपके पास था यहाँ पे वाई। ओके नाउ आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इसका एलसीएम लें और देखें आपको क्या मिलता है, तो आप देखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स जो आपके पास यहाँ पे ऑप्टेन होगा वो हो जाएगा आपके पास रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस में एक्स स्क्वायर। आप इसका एलसीएम लीजिएगा, दोनों का एलसीएम नीचे एक्स माइनस वाई ही आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट आपके हो जाएंगे और देखिए आपके पास क्या चीज़ फाइनली आएगी यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे टर्म्स को अरेंज कर दूँ और देखो मेरे पास क्या चीज़ फाइनली आती है, सो मेरे पास यहाँ पे आएगा वन माइनस में एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर एंड देन प्लस में आपके पास यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस का एक्स वाई। आप बस चीज़ों को मल्टीप्लाई करें और अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ ऑप्टेन हो जाएगी, डिवाइड बाई यहाँ आपको मिलेगा रूट अंडर वन माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर एंड देन प्लस वन माइनस में वाई स्क्वायर एंड माइनस का एक्स वाई एंड प्लस में आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। ओके अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है एंड यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो सकता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास रूट अंडर वन माइनस में वाई स्क्वायर एंड अपॉन में वन माइनस में एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास वन प्लस में ये कंप्लीट चीज़ है एंड देन माइनस में एक्स वाई है, और नीचे भी आपके पास है वन प्लस में ये कंप्लीट चीज़ एंड माइनस में एक्स वाई है, यानी कि दोनों चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो सकती है। सो ये पूरा यहाँ पे कैंसिल आउट होकर बन जाएगा आप लोगों का वन। ओके सो इनटू में वन आप मत लिखिए इसको, और देखिए जो चीज़ आपको यहाँ प्रूव करनी थी वो आप लोगों ने यहाँ पे हैंस प्रूव कर ली। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, इसको मैंने विदाउट मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया, मैंने डायरेक्टली गिवन एक्सप्रेशन को ही डिफरेंशिएट करके रिक्वायर्ड चीज़ की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। ओके सो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया।